तो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी आई हुई है सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए, वो निकाली गई है इंडियन नेवी में। तो डिपार्टमेंट देख के ही आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर आपका जॉब निकल जाता है तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। हर कोई चाहता है कि देश के लिए काम करे, हर कोई चाहता है कि इंडियन नेवी को सर्व करे। तो आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है, खासकर सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए यहाँ पे अभी बहुत अच्छा मौका है कि आप यहाँ पे देश को सर्व कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी की यहाँ पे टेंशन लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि इंडियन नेवी में अगर आपका होता है तो सैलरी आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे आपका कोई भी फीस नहीं है, फ्री का फॉर्म है, अप्लाई जरूर कीजिएगा, कोई पैसा लगने की बात ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो इंटरव्यू के स्टेजेस है वो बहुत ही धाकर है, बहुत ही टफ लेवल के हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको छोटा से छोटा चीज जो उस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो समझ में आ जाए, जो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे वो लोग, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप लोग के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की नोटिफिकेशन लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग सभी जानते हो अन अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करके आप अपने करियर गोल को अचीव कर सकते हो। तो अन अकेडमी आप लोग के लिए लाया है प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसको लेने से आपको मिल जाता है इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा बनाए हुए सारे कोर्सेज का एक्सेस, जहां से आप तैयारी करके किसी भी गोल को आसानी से अचीव कर सकते हो। यहां पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, जैसे SSC हो गए, गेट हो गए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हो गए, और इसी तरीके के सारे एग्जामिनेशन के कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते हैं। और इसके सारे कोर्सेज यहाँ पे पूरी तरीके से लाइव होने वाले हैं और आप यहाँ पे अपने सारे डाउट को आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग के लिए रेगुलर लाइव डाउट सेशन होता रहता है और रेगुलर क्विजेज होते रहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं, जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो। तो अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां से उस लिंक पे क्लिक करके आप वहां से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा CIVIL, इसको अगर आप यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो एक बार जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा कि कौन से कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है वहां पे, और मुझे जरूर कमेंट बताइएगा। तो एक बार जाके आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि अन अकेडमी फ्री टेस्ट सीरीज रेगुलर लाता रहता है आप लोग के लिए, तो 1 फरवरी से स्पेशल टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए चालू हो रहा है, जिसका नाम है परीक्षा सीरीज, और ये गेट के कुछ ही दिन पहले हो रहा है, यानी कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको अटेंड जरूर कीजिएगा। इसको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा गेट एग्जाम के एकदम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्यूरेटेड करके इसको बनाया गया है आप लोगों के लिए स्पेशली। फ्री का है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, तो इसको जरूर अटेंड कीजिएगा। तो इस मॉक टेस्ट के लिए एलिजिबल ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल यहाँ पे एलिजिबल है, साथ में IT, CS और केमिकल वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे टोटल 3 मॉक टेस्ट होने वाला है, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और इसी ब्रांचेस के लिए जो मॉक टेस्ट फ्री में होने वाला है वो 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी को होने वाला है, और मैकेनिकल, CS, IT और केमिकल वालों के लिए जो मॉक टेस्ट होने वाला है वो 8, 9 और 10 फरवरी को होने वाला है। और जितने भी मॉक टेस्ट यहाँ पे होने वाला है ये मॉर्निंग में 11 AM में आप लोग के लिए होगा। तो फ्री का है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक डाला हुआ है, आपको जस्ट वहां पे जाना है, खुद को रजिस्टर कर लेना है, कुछ नहीं करना है, पूरा फ्री है, आपसे कोई पैसा यहाँ पे चार्ज नहीं किया जाएगा। तो फ्री का है तो जरूर दो, खुद को देख लो कि आप कहां पे खड़े हो। और एट द एंड, एग्जाम के एंड में आपको एक ऑल इंडिया बेसिस पे रैंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको पहले ही पता चलेगा कि हाँ आप ऑल ओवर इंडिया में किस जगह पे खड़े हो। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक डाला हुआ है, रजिस्टर कर लीजिए, और मेरा कोड CIVIL जरूर यूज कीजिएगा, इससे ये टेस्ट आप फ्री में दे पाओ। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, और गूगल पे यहाँ पे टाइप करना है इंडियन नेवी, ठीक है? इंडियन नेवी जैसे टाइप करके आप एंटर मारोगे, सबसे ऊपर इंडियन नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है, तो इस पे आपको क्लिक करके खोल लेना है। ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन नेवी का, ठीक है? तो जैसे ही ये वेबसाइट पे आ जाओगे, आपको यहाँ पे देखिएगा राइट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है करंट इवेंट, ठीक है? करंट इवेंट्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे जो लेटेस्ट इवेंट्स है वो खुल जाएंगे, तो हमें सब देखना है, तो यहाँ पे व्यू मोड लिखा हुआ है, इस व्यू मोड पे आप क्लिक कर दीजिएगा। व्यू मोड पे क्लिक करके फिर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, तो नीचे देखिएगा जो भी इवेंट्स है लेटेस्ट वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है 29/1/2021 वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, ऑफिसर एंट्री SSC एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस के लिए, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? तो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने जो ऑफिशियल वो लिंक है वो खुल जाएगा, जहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई लिंक मिल जाता है। तो आपको अप्लाई कहां से करना है वो तो यहाँ पे दिख गया, इस क्लिक यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप वहां से खुद को रजिस्टर करके फिर साइन इन करके वहां से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? लेकिन एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट का जो नोटिफिकेशन है इस जॉब के लिए, ये यहाँ पे खुल जाएगा।
तो मैंने यहाँ पे पहले से खोल के रखा है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कआउट करके रखा हुआ है ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चलिए एक एक करके मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, एक एक पॉइंट को कवर करूंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, कान खोल के सुनिएगा। तो चलिए इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को भी थोड़ा क्लियर से दिखने लगे ये, ठीक है। आई होप आपको ये अब दिखेगा अच्छी तरीके से। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो ये वैकेंसी जो निकाली गई है द इंडियन नेवी में निकाली गई है, और सबसे पहला जो क्राइटेरिया यहाँ पे है, आप अगर अनमैरिड हो, चाहे वो आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए यहाँ पे एलिजिबल है, दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, यहाँ पे आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया था जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और मेल फीमेल दोनों ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेवल कंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रही है, और आपका जो एज है वो 19.5 साल से लेके 25 साल के बीच में होना चाहिए। ये सेकेंड क्राइटेरिया आप लोग के लिए हो गया। तो चलिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं कि यहाँ पे इसको अप्लाई कौन कर सकते हैं। तो जो बी बीटेक वाले हैं और मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 60% मार्क्स है, तब जाके आप इसको भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सी स्ट्रीम यहाँ पे एलिजिबल है, मैकेनिकल है, सिविल है, एरोनॉटिकल है, एरोस्पेस है, मेटलर्जी है, नेवल आर्किटेक्चर है, ओशन इंजीनियरिंग है, मरीन इंजीनियरिंग है, शिप टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग, शिप डिजाइन, ठीक है। तो इतने सारे ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 14 है, लेकिन इंडिविजुअली किसके लिए कितना है यहाँ पे खुलासा नहीं किया गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नेवल आर्किटेक्चर से अगर कोई नहीं आता है तो उस चीज को सिविल में डाल दिया गया, उस वैकेंसी को मैकेनिकल में डाल दिया गया, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी 14 यहाँ पे रखा गया है। अब आपको फॉर्म भरने का जो डेट है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो ये आपका स्टार्ट हो जाने वाला है 10 फरवरी से, और ये चलेगा आपका 18 फरवरी तक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 10 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक आपका ये फॉर्म भरना चलेगा। तो उस बीच इसको आप जरूर भर लीजिएगा। मैं आप लोग के लिए उस वक्त इसका एक रिमाइंडर वीडियो फिर से बना दूंगा ताकि आप लोग उसे भूल ना जाओ, और जस्ट इससे पहले ही मैं एक बार और डाल दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो गाइडलाइंस है उसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हो गए, रिलैक्सेशन इन हाइट का बात हो गया, मेडिकल हो गया, टैटू हो गया, नार्कोटिक्स, इन सबको लेके कुछ गाइडलाइंस है, वो आपको इस वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगे। तो उसको जाके जरूर पढ़ लीजिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की क्या गाइडलाइंस है, आपके हाइट और वेट को लेके कुछ गाइडलाइंस है, मेडिकल जो सर्टिफिकेट होगा उसको लेके कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस है, टैटू अगर आपके शरीर पे बना हुआ है तो उसको लेके कुछ गाइडलाइंस है, ठीक है। कहाँ पे होने से आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, ऐसा वैसा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको, इस गाइडलाइंस जितने भी है, ये सारा आपको इस वेबसाइट पे www.joinindiannavy.gov.in पे मिल जाएगा। मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, साथ में अप्लाई करने का लिंक और सारा चीज मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो आप जाके वहां से आराम से इसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो लॉ और नेवल कंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करने वाले हो, यानी कि नेवल कंस्ट्रक्टर के लिए जो अप्लाई करने वाले हो, उन लोग को यहाँ पे फिलहाल के लिए 10 साल का ये एसएसबी के इनिशियल पे रखा जाएगा, यानी कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है ना, वो 10 साल के लिए आपका यहाँ पे रखा जाएगा, और 10 साल के बाद ये और 4 साल बढ़ाया जाएगा, जिसको 2 साल 2 साल के बीच में बाइफरकेट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और वो डिपेंड करता है उस वक्त अगर वैकेंसी रहेगी तब जाके ये 2 साल 2 साल बढ़ेगा, नहीं तो फिलहाल 10 साल तक आपका यहाँ पे पक्का है, ठीक है। तो जनरली ये बढ़ जाती है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर रेगुलर एंड इंटीग्रेटेड बी बीटेक कोर्स कैंडिडेट्स परसेंटेज स्कोर्ड इन 5th एंड 7th सेमेस्टर रिस्पेक्टिवली विल बी कंसीडर्ड टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट, ठीक है। आप लोग तो अपना सब भेज दीजिएगा, लेकिन वो लोग जो कैंडिडेट आप लोग को प्रीफर करेंगे, जो शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो मेनली आपका 5th एंड 7th सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उस पर कंसिडर किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसको फाइनल ईयर वाले जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट है वो इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज बोल दिया गया है कि परसेंटेज जो शॉर्टलिस्ट करेंगे ना कैंडिडेट को, उसके लिए जो भी वो नंबर देखेंगे वो 5th एंड 7th सेमेस्टर का देखेंगे। तो अगर आप अभी 8th सेमेस्टर में हो, यानी कि फाइनल ईयर में हो, आपका रिजल्ट अभी नहीं भी आया है, तो 5th एंड 7th सेमेस्टर के मार्क बेसिस पे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो सकता है। तो फाइनल ईयर वाले यहाँ पे एलिजिबल है, वो लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो एसएसबी का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा वो कहाँ कहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपको अपना सिलेक्शन चुनना पड़ेगा कि आप इंटरव्यू कहाँ पे देने जा सकते हो, आपको वो सिलेक्शन करना होगा, लेकिन बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो भोपाल है, बैंगलोर है, विशाखापट्टनम है और कोलकाता है, ये 4 प्लेसेस हैं जहां पे आपके एसएसबी के इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे, और आपको इसी में से चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आपका जो इंटरव्यू है वो 21 मार्च या उसके बाद लिया जा सकता है, ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे ना, उन लोग को इंटरव्यू का जो भी डेट होगा, जो भी वेन्यू होगा, कुछ भी, वो सारा आप लोग को आपके ईमेल या एसएमएस के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे एडवाइस किया गया है कि आप अपना नंबर, ईमेल नंबर, कुछ भी, ईमेल आईडी हो गया, कुछ भी चेंज मत कीजिएगा ड्यूरिंग प्रोसेस तक। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरव्यू का। अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पे हो जाता है तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है एसएसबी का, ठीक है। और ये 5 दिन तक चलेगा और 2 स्टेजेस में होगा। पहला दिन आपका स्टेज 1 होगा,
और उसके बाद जो स्टेज टू आपका होने वाला है उसको 4 दिन में बांट दिया गया है, ठीक है। अगर आप स्टेज 1 में क्रॉस कर जाते हो, सेलेक्ट हो जाते हो, तब जाके आप स्टेज 2 में जाओगे, वरना आपको इसी दिन आपको घर वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। स्टेज 2 4 दिन का होने वाला है। तो स्टेज 1 में क्या क्या होगा वो बता देता हूं मैं। स्टेज 1 में आपका होने वाला है इंटेलिजेंस टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन टेस्ट। ये तीनों होगा, इसमें अगर आप खरे उतरते हो तब जाके आपका स्टेज 2 में सिलेक्शन होता है। और स्टेज 2 में क्या किया जाएगा देख लीजिए। स्टेज 2 में आपका फिजियोलॉजिकल टेस्ट होने वाला है, ग्रुप टास्क टेस्ट होगा, और फिर आपके लास्ट में यहाँ पे एक इंटरव्यू होने वाला है। जब ये तीनों हो जाता है उसके बाद आपका जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा, जो कि अप्रॉक्स 3 से 5 दिन लगेंगे। अगर ये आपका फाइनल स्टेज है, अगर आपका यहाँ पे हो जाता है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है वो यहाँ पे लगभग बता दिया गया है कि इन द मंथ ऑफ जून 2021 में आपका यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स होंगे उन लोग को पहला 2 साल के लिए यहाँ पे प्रोविजन पीरियड पे रखा जाएगा। अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, www.joinindiannavy.gov.in, और वहां पे आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अप्लाई कहाँ से करना है, तो वहां से जाकर अप्लाई कर लीजिएगा। वैसे मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाकर इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जब आप फॉर्म को भरोगे ना, जब अप्लाई करोगे, तो उस ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी रख लीजिएगा, क्योंकि आपको ड्यूरिंग जब आप वहां पे जाओगे SSB के इंटरव्यू के लिए, वहां पे आपको सारे सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स और जो वो प्रिंट आउट एप्लीकेशन थे वो सारी चीज लेके वहां पे जाने हैं आपको। तो ये हमेशा याद रखिएगा, प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा उसका, ठीक है। तो बेसिकली मैंने जो भी मेन पॉइंट्स है वो सारे बता दिए हैं, एक बार आप खुद से इसको पढ़ लीजिए उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। और भी कोई गाइडलाइंस है मेडिकल टर्म से लेके टैटू, मेडिकल रिलैक्सेशन, हाइट, फिजिकल स्टैंडर्ड, वो सारा आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कहां से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जहां से आप एडवर्टाइजमेंट देखे थे उसी के नीचे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको खुद को रजिस्टर करने के लिए बोलेगा, वो कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टेट अपना चुन लेना है। अपना स्टेट चुनने के बाद ये यहाँ पे इमेज डाला हुआ है, ये आप चेक करेगा कि आप रोबोट हो कि नहीं, वो डाल देना यहाँ पे, सेव कर देना ये कैप्चा डालकर, ठीक है। सेव करने के बाद खुद को रजिस्टर करके फिर साइन अप करके आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप लोग के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की नोटिफिकेशन लाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।